अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। FPSC एंड PPSC लेक्चरल मैथमेटिक्स सीरीज हमने स्टार्ट की थी और उसमें हम कोर्स डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इस कोर्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तीन किस्म की ऐसी इक्वेशंस है जो कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली हम पढ़ चुके हैं बर्नौलीज इक्वेशन, दूसरी क्लैरेट्स इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिकैटी इक्वेशन के बारे में। ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम देखेंगे कैसे इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के बाद सॉल्व किया जाता है। आज की वीडियो के बाद हम दोबारा MCQ स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले बता चुका हूं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है dy/dx + p(x)y = r(x)। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म ऐड कर दे, कौन सी टर्म, q(x)y², लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने से ये इक्वेशन एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है, जिसकी फॉर्म है dy/dx + p(x)y + q(x)y²= r(x)। अब देखिए ये नॉन लीनियर फॉर्म में क्यों चेंज हो गई, इस y स्क्वायर के आने की वजह से। y की पावर, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर या उसके डेरिवेटिव की पावर 2 हो जाए, ग्रेटर देन 1 बन जाए, तो इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाती है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम रिकैटी इक्वेशन कहते हैं, यानी कि रिकैटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। याद रहे कि p, q और r फंक्शंस ऑफ x है और ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिकैटी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। रिकैटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx = py² + qy + r। आप यहां पर देखें कि y की जो पावर्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, फ्रॉम 2 to 0, 2 से 0 तक ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और यहां पर p, q और r फंक्शंस ऑफ x है। अब रिकैटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होगा, इस इक्वेशन का एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और लीनियर फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो सब्स्टिट्यूशन हम बैकवर्ड करेंगे तो इस ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड हो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का कोई खास तरीका, कोई खास मेथड नहीं है, बल्कि इसको हम इंस्पेक्शन से फाइंड करते हैं, ट्रायल एंड एरर से। मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते हैं, वाई की 1 भी आप पुट कर सकते हैं चेक करने के लिए, एक्स पुट कर सकते हैं, वाई को आपने मुख्तलिफ वैल्यूज देखना है कि किस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ वी कैन समहाउ बाय इंस्पेक्शन ट्रायल एंड एरर, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का। अगर आपके जहन में कोई एग्जैक्ट मेथड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसको देखकर वीडियो बनाऊंगा। जो जहां तक मैंने पढ़ा है तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, बल्कि हम इसको इंस्पेक्शन से या ट्रायल एंड एरर से ही फाइंड करते हैं। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जिसे हमने कैपिटल वाई ऑफ एक्स का नाम दिया है, वो फाइंड करने के बाद हम स्मॉल वाई को कैपिटल वाई ऑफ एक्स दैट सॉल्यूशन प्लस एक फंक्शन ऑफ एक्स करते हैं। अब ये 1/u, इसको आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं, या 1/u क्यों लिखा, 1/u लिखने से आपका जो लीनियर फॉर्म में चेंज होगी वो हमारी आसानी से चेंज हो जाएगी, मतलब हमें ज्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करने से, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमारी लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो चलिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि एक रिकैटी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 1/xy² + 1/x (y) - 2/x। आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन एक रिकैटी इक्वेशन है। अब हमें एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का। मैंने आपको बताया कि हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन इंस्पेक्शन से फाइंड करते हैं, तो हम जिस तरह की यहां पर लिखा हुआ है, बाय इंस्पेक्शन y(x)= 1 इज वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। y की जगह आप 1 पुट कर लें तो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, लेफ्ट हैंड साइड हो गए 0। यहां पर भी y की जगह 1 पुट करें तो 1/x + 1/x, ऐड करें 2/x - 2/x इज 0, 0 = 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गई, तो y(x) = 1 इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है।
पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपने करनी है सब्स्टिट्यूशन. कैसे करनी है? y इक्वल टू दैट सॉल्यूशन प्लस 1 बाय u, y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय u. अब हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल u. तो हम dy बाय dx फाइंड करते हैं. डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 1 बाय u का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय u स्क्वायर और साथ डेरिवेटिव आएगा u का du बाय dx. अब हमने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है ओरिजिनल रिकेटी इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाय dx की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय u स्क्वायर du बाय dx इक्वल टू 1 बाय x. इसी तरह y को हमने लेट किया 1 प्लस 1 बाय u, y की जगह वैल्यू पुट कर दें और साथ ऊपर स्क्वायर भी है, इसी तरह प्लस 1 बाय x और बाकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होंगी. नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर ओपन करना है a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से और सिंप्लीफाई करें. सिंप्लीफाई करने के बाद u स्क्वायर को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास लास्ट फॉर्म आ जाएगी डी यू बाई डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स इंटू यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 बाई एक्स. अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है कि इक्वेशन नंबर 1, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल u, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जबकि p और q इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं. अब यहां पर देख लें कि p की वैल्यू यहां पर 3 बाई एक्स है, q की वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है और दोनों x के फंक्शन हैं और यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल u है. अब हमें जिस तरह के पहले मेथड किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा और उसके बाद सॉल्यूशन में वैल्यूज पुट करनी होगी. तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेस टू पावर इंटीग्रल 3 बाई एक्स डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e रेस टू पावर इंटीग्रल p dx और p की वैल्यू हमारे पास थी पिछले लीनियर इक्वेशन में 3 बाई एक्स डी एक्स. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x क्यूब. अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप देख सकते हैं. सॉल्यूशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल. द डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर इज u इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इनडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c. तो हम यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x क्यूब इंटू यू इक्वल टू x क्यूब, क्यू की वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी. इसको सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 3 प्लस सी बाई एक्स क्यूब. अब आप देखिए हमने लेट किया था y को 1 प्लस 1 बाई यू. हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो है y, तो हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारा आंसर आ गया y इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ u. अब आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तब भी ठीक है, अगर यहीं तक आंसर लिखना है तो तब भी हमारा आंसर ठीक है. तो व्यूअर्स ये मेथड था रिकेटी इक्वेशन को सॉल्व करने का. तो व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने रिकेटी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया और एक एग्जांपल सॉल्व किया इसके सॉल्यूशन के हवाले से. अगली वीडियोस में दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाएगा. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को भी लाइक कर लें. अगर कोई क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.